TSN स्कूल क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4th एनिमल किंगडम पार्ट 2nd। आज हम स्टडी करते हैं फाइलम पॉरीफेरा। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। कॉमनली हम इस फाइलम में ऐड होने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें हम स्पॉन्जेस कहते हैं। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ये मैराइन वाटर में ज़्यादातर मिलते हैं हमें और एसिमेट्रिकल इनकी एनिमल्स होते हैं। ओके, दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है इनका। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैनल सिस्टम। स्पॉन्जेस जो होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसील। इट मीन्स इसमें जो वाटर होता है वो एंटर करता है एक छोटे से माइन्यूट से पोर से जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं और फिर उसके बाद ये सेंट्रल कैविटी में जाता है जिसे स्पॉन्जियोसील बोलते हैं। ओके, फ्रॉम वेयर इट इज गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम और फिर उसके बाद वहाँ से ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर हो जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इट हेल्प इन फूड गैदरिंग रेस्पिरेटरी एक्सचेंजिंग एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज। मीन्स ये जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का ये हेल्पफुल होता है फूड गैदरिंग करने में, इसके अलावा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और वेस्टेज को रिमूव करने में। ठीक है, सीनोसाइट्स और कोरल सेल्स लाइन द स्पॉन्जियोसील एंड द कैनल्स। ओके, इसमें कोरल सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। डाइजेशन इन इंट्रासेलुलर, डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिलिन स्पॉन्जिन फाइबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो बॉडी है उसका स्केलेटन किससे बना होता है, स्पाइक्यूल से या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। सेक्स आर नॉट सेपरेट, इट मीन्स हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट मीन्स क्या होता है, सेक्सेस जो होते हैं वो एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स। दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। ओके, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। इट मीन्स इसमें फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप से हो रहा है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, जबकि जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जिस टाइम फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब पहले लार्वल स्टेज आती है उसके बाद अडल्ट बनता है, तो लार्वल स्टेज जो होती है वो अडल्ट से बिल्कुल जिसको हम निडेरिया भी बोल सकते हैं। ये दोनों फाइलम के सेम ही है, मतलब ये जो नेम है ना ये दोनों सेम ही है। दे आर एक्वाटिक मोस्टली मैराइन सेसाइल और फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग। सेसाइल मीन्स अटैच्ड रहते हैं, किसी चीज़ से अटैचमेंट होता है सबस्ट्रेटम से, और फ्री स्विमिंग मीन्स फ्री लिविंग जो आराम से स्विम करते रहते हैं। रेडियली सिमेट्री एनिमल सिमेट्रिकल एनिमल्स। द नेम निडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम नीडियोब्लास्ट और नीडियोसिस्ट, यानी इसमें या तो नीडियोब्लास्ट या फिर नीडियोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं विच कंटेन द स्ट्रिंग कैप्स्यूल और नेमेटोसाइट। स्ट्रिंग कैप्स्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, स्ट्रिंग कैप्स्यूल या फिर इसको हम कहते हैं निमेटोसाइट, जिसकी वजह से वो होता है ना एक डंक मारना, बस वही है कि इसके पास जब इसका कोई भी या तो प्रे आ रहा है इसका या फिर कोई भी इसको लग रहा है एनिमी है कोई, तो ये क्या करता है उसको डंक मारता है। ओके, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। नीडियोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनक्रेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। ओके, ये किस यूज में आता है ये सब आपको बता ही दिया है। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, जिसमें केवल टू लेयर्स प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और जिसमें थ्री होती है मीजोडर्म भी प्रेजेंट होती है उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो ये क्या आप कह रहे हैं कि निडेरियन एग्जिबिट टिश्यू, इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है एंड डिप्लोब्लास्टिक है। दे आर सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग, इसमें एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम,
माउथ जो होता है वो इसका हाइपोस्टोम टाइप का है। इसके अलावा डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन दोनों टाइप का ही है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। सम ऑफ द निडेरियंस फॉर एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ निडेरियंस ऐसे हैं जिनमें कि जो इनका स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। मीन्स इसमें जो बॉडी फॉर्म्स होती हैं वो टू टाइप से टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, एक तो पॉलिप और एक मेड्यूसा। द फॉर्मर इज सेसाइल, यानी जो मेड्यूसा है, जो पॉलिप है सॉरी, वो सेसाइल टाइप का है और सिलेंड्रिकल फॉर्म है। जैसे हाइड्रा होता है, एडेमसिया होता है, एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल दिए हैं। वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, और जो मेड्यूसा है वो अम्ब्रेला शेप्ड का होता है एंड फ्री स्विमिंग होता है। ओके, फ्री स्विमिंग लाइक ऑलेरिया और जेलीफिश। दोस निडेरियन विच एग्जिट इन बोथ फॉर्म्स, और वो निडेरियंस जो दोनों फॉर्म्स में ही प्रेजेंट होते हैं, एग्जिबिट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ये आपने प्लांट किंगडम में ये वर्ड सुना होगा, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। मीन्स टू फॉर्म्स इंटरडिपेंड रहती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं, उसे हम बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। और इसमें हम इसे हम कह रहे हैं मेटाजेनेसिस, दैट इज पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्चुअली एंड मेड्यूसा फ्रॉम द पॉलिप सेक्चुअली। राइट, एग्जाम्पल है फाइसेलिया एंड एडेमसिया एंड प्लेनेटूला एंड गॉर्गोनिया एंड मीनड्रियन। ओके, नेक्स्ट इज फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरस कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेली, इसे हम कॉम जेली भी कह सकते हैं या फिर सी वॉलनट भी कह सकते हैं, एंड एक्सक्लूसिवली मेराइन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएट कॉम प्लेट, ये इसका स्पेशल फीचर है। इसकी जो बॉडी है उस पर 8 एक्सटर्नल रोज, सीलिएटेड रोज यानी सीलिया से बनी हुई 8 रोज हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम प्लेट। विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो किस हेल्प, किस में इनका हेल्प करता है, लोकोमोशन में। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। बायोलोमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये लाइट एमिट करते हैं, फेंकते हैं, लाइट फेंकते हैं। इट वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, यानी इसका स्पेशल फीचर है। सेक्स आर नॉट सेपरेट नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्चुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन सेक्चुअल मीन्स के थ्रू हो रहा है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, इसका एग्जाम्पल है प्लीरोब्रैंकिया और टीनोप्लेटा प्लेनेटा। नेक्स्ट इज फाइलम प्लेटेहेमिनिडीज, दे आर डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म, इसको हम फ्लैट वॉर्म भी बोल सकते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट है और हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लैट वॉर्म आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइट फॉर्म, और जब ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं तो इसमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, और कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो अपने होस्ट से डायरेक्टली इनकी बॉडी सरफेस के थ्रू न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसे हम फ्लेम सेल कहते हैं, और ये फ्लेम सेल ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का वर्क करती है। ओके, ऑस्मोरेगुलेशन, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ऑस्मोरेगुलेशन का वर्क कौन करता है, किडनी, बस वही वर्क ये यहाँ पर कर रहा है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, यानी इसमें इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है। सम मेंबर्स लाइक प्लेन एरिया पोजेस हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी, कुछ एक मेंबर्स है जैसे प्लेन एरिया, उसमें रीजेनरेशन होने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल है टीनिया, जिसे हम टेप वर्म बोल रहे हैं, और फैसियोला क्या है, लीवर फ्लूक। नेक्स्ट इज फाइलम एसिलिमिनिडीज,
एसेलेमनिथीज, द बॉडी ऑफ द एसेलेमनिथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो इनकी बॉडी सर्कुलर हमें दिखाई देती है. हैंस द नेम राउंड वर्म, इसीलिए इनका नाम क्या है, राउंड वर्म. दे मे बी फ्री लिविंग एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. दे आर बायोलिटरली सिमेट्रिकल, ये बायोलिटरली सिमेट्रिकल होते हैं. डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सीडोसीलोमेट एनिमल, इसमें मतलब सीलोम जो होती है ना वो बिल्कुल ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए इसे हम सीडोसीलोमेट एनिमल्स कहते हैं. एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. एलिमेंट्री कैनाल इसमें बिल्कुल कंप्लीट होती है और इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होती है. एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स. इट मीन्स इसकी जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्स जो होती है वो रिमूव करती है जितना भी बॉडी का वेस्ट होता है. कहाँ से, बॉडी कैविटी के थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स से. सेक्स आर सेपरेट, दोनों सेक्स सेपरेट होते हैं. इट मीन्स ये डायोशियस है, दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग होते हैं ना, है ना. ऑफन फीमेल आर लॉन्गर, फीमेल जो होती है वो लॉन्गर होती है देन मेल्स. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट. अब देखिए इसमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट हो रहा है. द यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट, यानी इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं है और यंग वंस जो होते हैं बिल्कुल जो अपने पेरेंट हैं उनके जैसे ही दिखाई देते हैं. और इनडायरेक्ट भी हो सकता है इसमें. एग्जाम्पल है एस्केरिस वाउचेरिया वाउचेरिया एंड एनक्लियोस्टोम. ओके, आज यहीं फिनिश करते हैं बेटा अपना टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. ओके.